सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आज एक नया फ़ोन लाया हूँ जिसकी इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करूँगा। और साथ में दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताऊँगा कि मैं अक्सर जो लाइव आता हूँ दूसरे चैनल पे, वो कहाँ से आता हूँ। तो मैं फ़िलहाल ऊपर छत से आता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखते हैं और पूछते भी हैं ऊपर, ये बैक साइड में आपके हिल एरिया कहाँ से है, कौन सा पहाड़ है। तो मैं आपको फ़िलहाल दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फ़िलहाल दोस्तों, मैं अपने रूम पे हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मेरा रूम है और हम फ़िलहाल तीन चार बंदे रहते हैं एक रूम पे। और ये मेरा मतलब खुद का घर नहीं है, मैं बाहर रहता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ। तो ये यहाँ तीन चार बंदे इस रूम पे रहते हैं। और जब भी मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ, कहीं भी कुछ करता हूँ, तो मैं इस रूम पे नहीं करता, फिलहाल ऊपर या किसी दूसरे रूम पे करता हूँ। तो चलिए, मैं चलता हूँ फिलहाल ऊपर छत पे, आपको दे चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, चलता हूँ मैं ऊपर छत। और ये मेरे हाथ में ये पोलोथीन है, इसमें लैपटॉप है और साथ में वो फ़ोन है। मेरे को थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ काम भी करना था, तो मैंने कहा ऊपर छत ही में कर लूँगा। तो फिलहाल ये मेरा दरवाज़ा है और मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा ये कमरा है और ये यहाँ पे मैं अब जा रहा हूँ छत ऊपर। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सीढ़ियाँ भी हैं और यहाँ पे ये लिफ्ट भी है, लिफ्ट भी ऊपर तक जाती है और ये सीढ़ियाँ हैं। तो फिलहाल मैं ये सीढ़ियों से ही चल रहा हूँ। तीन फ्लोर हैं, उसके ऊपर छत है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अक्सर आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, भाई कहाँ से लाइव आते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रूम पे रहता हूँ, तीन चार बंदे रहते हैं साथ में। और वहाँ पे एक्चुअली तीन चार बंदे होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। तो फिर मैं ऊपर छत में चला जाता हूँ, या फिर मैं अक्सर यहाँ से भी लाइव आता हूँ, मतलब कमरे में इधर से भी लाइव आता हूँ। ये थर्ड फ्लोर है। सो फ्रेंड्स, ये मैं ऊपर छत पहुँच गया और ये आप देख सकते हैं, ये कूलर हैं और ये यहाँ पे रेंट पे किराए में भी दिए जाते हैं कमरे। तो गर्मियों में कूलर लगा दिए जाते हैं, कूलर रखे हुए हैं फिलहाल। और देख सकते हैं, फिलहाल मैं ऊपर छत पहुँच गया। ये यहाँ ये जाल लगी हुई है बंदरों के लिए है, अक्सर यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं ना उत्तराखंड। और फाइनली मैं छत पहुँच गया और ये ऊपर, ये बैक साइड फिलहाल धूप है। ये ऊपर है, वो पहाड़ है, राजा जी नेशनल पार्क का हिल एरिया है और ये काफ़ी बड़ा पहाड़ है। मतलब ये देहरादून, हरिद्वार, मतलब काफ़ी उत्तराखंड में फैला हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आपको बैक कैमरे से भी कुछ सीन दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पहाड़ है और जो मैं लाइव आता हूँ, मैं यहीं से लाइव आता हूँ ये यहाँ से। और ये बंदे लेटे हुए हैं, यही साथ में रहते हैं, मैं यहीं पे लाइव आता हूँ यहीं से। और ये काफ़ी, ये यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत बड़ा मतलब पहाड़। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं वो बॉक्स को खोलता हूँ, दिखाता हूँ कैसा फ़ोन है। और ये बैक में जो देख रहे हैं, ये ऊपर है, ये बैक में ऊपर ये टंकी है और ये लिफ्ट के यहाँ पे मशीनें रखी हुई हैं जो ऊपर से कवर करती हैं नीचे को। तो चलिए फिलहाल मैं फ़ोन खोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे ऑफलाइन ही दिया, दुकान से दिया, क्योंकि ऑनलाइन फ़िलहाल इसके भी रेट ज़्यादा ही हैं और ऑफलाइन मेरे को लगभग 500 रुपये कम ही पड़ गया, फ्रेंड की दुकान से लिया था। तो मैंने ऑफलाइन ले लिया था और ये रहा फ्रेंड्स। और मतलब ये इसमें फिंगरप्रिंट डिस्प्ले पे है। सो फ्रेंड्स, ये फ़ोन है और ये मैंने ऑलरेडी एक बार खोल चुका हूँ, जब दुकान से लिया था तब मैंने खोल चुका हूँ। तो ये इसका बिल रहा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैसे मेरे को 23.5 में पड़ा है और ये इसका बिल है। तो फिलहाल ये रहा फ़ोन और इसमें ये इसका बैक कवर है जो लगभग अब सभी फ़ोन के साथ मिलता है, इसका बैक कवर। और ये रहा वीवो V11 प्रो। एक बार मैंने वैसे ऑलरेडी इसे खोल चुका हूँ, लेकिन एक बार मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा फ़ोन और इसे ओपन करता हूँ। चलो ओपन हो रहा और देखो क्या क्या मिलता है इसमें। ये दोस्तों, इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट है, ये तो ये ऐसे कुछ है। और ये मैंने ऑलरेडी एक बार खोल चुका हूँ,
और इसमें देखो मेरे को क्या क्या मिला है, ये अडाप्टर है और इसमें फास्ट चार्जिंग भी है और ये डाटा केबल है और ये ईयरफोन है। ईयरफोन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये ईयरफोन है जो खोल देता हूँ ये। तो दोस्तों फ़िलहाल यही इसके साथ मिला है, ये डाटा केबल है जो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी ही है और इसके साथ और फ़िलहाल कुछ नहीं मिला, यही चीज़ मिली है। तो देख सकते हैं ये, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ खोल के भी ये फ़ोन। तो ये फ़ोन है, मैंने ऑलरेडी से एक बार खोल चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। वैसे कैमरा क्वालिटी इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, काफ़ी है। 25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है और 16.5 का आई थिंक बैक कैमरा है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कहाँ दिखा हुआ है। और ऐसे में जो मेरे पास है एक V7 भी था, तो फ़िलहाल मैं इसके दूसरे चैनल के लिए ले आया हूँ क्योंकि उस फ़ोन में ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता था, तो मैंने ये फ़ोन ले लिया है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मेरे को कुछ काम करना है तो मैं इसीलिए ऊपर छत में लैपटॉप भी ला रखा हूँ। एक्चुअली अभी धूप भी निकल रखी है, तो मैं काम करूँगा कुछ इसमें और लैपटॉप में। और ये मैंने एक वाईफाई भी लिया था जो कि जियो का है और ये मेरे को 1500 रुपये का पड़ा था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप बहुत ही सस्ता है और कुछ नहीं है ज़्यादा फिलहाल। तो और ये बाकी वो बंदे हैं जो मेरे साथ रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा मोबाइल आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जैसा भी लगा हो। और इसमें देखो कोशिश करता हूँ आपको टाइम टू टाइम लगभग वीडियो इसमें भी देता रहूँ। तो दोस्तों इस चैनल में फ़िलहाल ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलेंगी। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और जो लोग नए हो चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अभी फ़िलहाल इसमें बहुत कम सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।